गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है वेडनेसडे, तो अभी सुबह के 9 o'clock हो रहे हैं। मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। मैंने चाय वगैरह पी ली है। और आज देखो मैंने ये कौन सी ड्रेस पहनी है। ये बहुत साल पहले की ड्रेस है, जब मैं कॉलेज में थी उसी टाइम की ड्रेस है। शायद 2012 की है, 2012 की। और देखो 8-9 साल बाद मैंने आज ये पहनी है। और जैसी ये थी वैसी ही है, थोड़ी सी भी ये ख़राब नहीं हुई है ड्रेस। थोड़ा सा भी इसका कलर नहीं कुछ हुआ है। और मुझे ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगती थी। इसके नीचे ये ब्लू कलर का टी शर्ट है और ये वाइट और ब्लू कलर का इसमें जैकेट अटैच है, इसमें अटैच ही है। और यहाँ पर पीछे में नेट लगा हुआ है। सो ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं कॉलेज जाया करती थी ये पहन के। तो अभी मैं मेरे हस्बैंड से बोल रही थी कि देखिए मैं शादी के बाद वन पीस वगैरह जीन्स पहनती पहना नहीं है, स्टार्ट किया है मैंने। मैं शादी से पहले भी पहना करती थी। और मेरा गांव थोड़ा सा एडवांस है, वहाँ पे हर लड़की को बहुत ही फ्रीडम दिया जाता है। जिसको जैसा पहनने का मन करता है, जहाँ जाने का मन होता है वहाँ अकेले जाती है। मेरे गांव की लड़कियाँ सब बहुत ही मतलब ये है, उसको ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज में जाती थी। हम लोग डेली कॉलेज जाया करते थे और मेरे गांव से कॉलेज लगभग 20 किलोमीटर था, फिर भी हम लोग डेली जाया करते थे। हमारे गाँव में लड़कियों को बहुत ही फ्रीडम दिया गया हुआ है और वो स्टार्टिंग से ही दिया गया हुआ है। तो अभी मैं मेरे हस्बैंड से बोल रही थी कि देखिए मैं शादी से पहले भी कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसें पहना करती थी, ऐसा नहीं हुआ कि मैं शादी के बाद से पहनना स्टार्ट किया। और मैं जाऊंगी गांव, तो आप लोगों को मेरे गांव मैं अपना गांव दिखाऊंगी, मेरे गांव का मार्केट दिखाऊंगी। मुझे मुंबई और मेरे गांव के मार्केट में कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आता है। जैसी ड्रेस यहाँ मुंबई में मिलती है वैसी ड्रेस मेरे गांव में मिलती है। बस थोड़ा सा ये है, ये मुंबई है तो यहाँ पे घूमने की बहुत सारी जगह है, इसलिए मुझे मुंबई बहुत अच्छा लगता है। और गांव में कहाँ जाएंगे घूमने, कोई जगह नहीं है उतनी घूमने की गांव में। सो बस इतना सही डिफरेंस है, बस घूमने के का ही, और कोई डिफरेंस नहीं है मुंबई में और मेरे गाँव में। तो फिर देखिए मैं आप लोगों को अपना पूरा ये दिखाती हूँ मेरी ड्रेस। देखिए यहाँ पे ये बेल्ट लगा हुआ है, ये ब्लू कलर का है। इस ये भी कपड़े से यहाँ से अटैच ही है, इसको मैं निकाल नहीं सकती हूँ। और ये टी शर्ट है अंदर में और ऊपर से ये जैकेट है, अटैच ही है। तो आप लोगों को कैसा लगा? इसका मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था, वाइट और ब्लू है, तो मैं इसको जीन्स पे पहन के जाया करती थी। तो मुझे इसका कलर ही बहुत अच्छा लग रहा है, वाइट और ब्लू है इसके लिए। और आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। तो आज मैं खाने में बनाऊँगी परवल की सब्ज़ी। परवल को मुंबई में पटाल बोलते हैं। तो कल शाम को मेरे हस्बैंड पटाल लेके परवल लेके आए थे, तो आज मैं वही परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी मैंने सब्ज़ी कुछ भी नहीं बनाया, बस मैंने चाय बनाई है। और वंश गया है अपना बाल कट करवाने, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ जल्दी से। तो फिर चलिए मैं सब्जी बना लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। सो गाइस यहाँ पे देखिए मैं परवल का छिलका निकाल ले रही हूँ, घिस घिस के ही निकाल ले रही हूँ, क्योंकि छिलका रहता है तो अच्छा नहीं लगता है खाने में। आप चाहो तो इसको छिल भी सकते हो पूरा, बट मैं यहाँ पे ऐसे घिस घिस के ही निकाल ले रही हूँ ऊपर ऊपर से। और अभी मैं इसको दो पार्ट में बीच से कट कर दूँगी। पहले मैं इसको वॉश कर लूँगी, सारे परवल का छिलका निकाल लूँगी, फिर वॉश करके और दो पार्ट में बीच से कट कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे परवल का छिलका निकाल के घिस के और उसके बाद मैंने उसको वॉश करके और बीच से दो पार्ट में कट कर लिया है ऐसे इस तरह से। और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। सो गाइज मैंने गैस चूल्हे पे कढ़ाई में ऑयल को डाल के और ऑयल को गर्म कर लिया था। उसके बाद मैंने परवल जो मैंने काट के रखा हुआ था वो डाल के और यहाँ पे अभी मैं फ्राई कर ले रही हूँ। साथ ही मैं प्याज को चॉप कर ले रही हूँ चॉपर में। और खलबट्टे में मैंने अदरक लहसुन रख लिया हुआ है, लहसुन का छिलका निकाल के और अदरक का छिलका निकाल के मैंने रख दिया है। अभी मैं उसको भी क्रश कर लूँगी, कूट लूँगी। और एक प्लेट में आप लोग देख रहे होंगे कुछ रखा हुआ है, तो उसमें पीनट और नारियल रखा हुआ है। पीनट और नारियल को मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया था और उसके बाद पीनट का छिलका निकाल के और नारियल को भी रोस्ट करके और दोनों को साथ में हम ग्राइंड कर लिए हुए थे।
और यहाँ पे देखिए परवल फ्राई हो चुका है कितने अच्छे से। हमें इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो वो टाइट टाइट सा हो जाएगा। और अभी मैंने इसको एक थाली में निकाल ली है और मैं बाकी के बचे हुए तेल में ही सब्जी बना लूँगी। तो इसके लिए अभी मैं इसमें जीरा डालूँगी और तेज पत्ता। जीरा और तेज पत्ता भून गया था, सो अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ प्याज जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है, वो प्याज मैंने डाल दिया है। और प्याज को हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। प्याज भून गया था सो अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ अदरक लहसुन जो मैंने क्रश करके रखा हुआ है। प्याज और अदरक लहसुन को हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद भून जाने के बाद, थोड़ा सा भूनने के बाद मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। 2-3 मिनट तक हम इन मसालों को भून लेंगे। उसके बाद जो मैंने नारियल और पीनट को ग्राइंड करके रखा हुआ है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगी। और उसके बाद मैंने एक टमाटर का भी प्यूरी बना के रखा हुआ है, उसको भी डाल दूंगी साथ में ही। और फिर हम सब मसाले को अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि मसाले से साइड साइड से ऑयल ना निकलने लगे तब तक हमें मसाले को अच्छे से भून लेना है। देखिए यहाँ पे मसाले कितने अच्छे से भुन चुके हैं, सो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और जो मैंने परवल को फ्राई करके रखा हुआ है वो परवल ऐड करूँगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। फिर ढक के हम इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, क्योंकि मैंने परवल को अच्छे से फ्राई किया हुआ था तो परवल 80% तक पका हुआ ही है, बस हमें इसको 20% तक ही पकाना है। इसके लिए मैंने थोड़े से ही पानी रखे हैं और 3 से 4 मिनट तक हम इसको ढक के पका लेंगे। 3-4 मिनट हो गया है और देखिए सब्जी कितनी अच्छी बनी है, ये बहुत अच्छे से पक गई थी। तो अभी मैं लास्ट में यहाँ पे गरम मसाला ऐड करूँगी और फिर धनिया पत्ती ऐड करूँगी और गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी। तो आप लोग भी ज़रूर ऐसे ट्राई करना, ऐसे ज़रूर बनाना ये परवल की सब्जी, पटल की सब्जी, ये बहुत अच्छी बनी थी, खाने में बहुत ही यम्मी बनी थी। और अभी मैं इसके बाद रोटी बना लूँगी। तो आज का हमारा यही खाना है, पटल की सब्जी, रोटी, दही वगैरह, चटनी जो सब होते हैं वो सब। तो अभी मुझे रोटी बनाना है। रोटी बनाने के बाद यहाँ पे मैंने मेरे हस्बैंड के लिए खाना निकाल दिया है, रोटी, सब्जी, दही, मूली और धनिया की हरी चटनी। तो आप लोग भी आइए और खाना खा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे सब्जी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी बनी है। तो ब्लॉग मेरा थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।